आजादी के 6 दशकों में भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी, कभी जंग मजबूरी बनी तो कभी थोपी गई। सन 47-48 में कश्मीरी कबीलों के वेश में छुपे पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। 1962 में चीन ने उत्तर से हमला बोला, आज भी हमारी हजारों वर्ग मील जमीन पर उसका कब्जा है। फिर 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ जंग, फिर बाद में करगिल की चुनौती सामने आई। बेशक भारत जंग की मन्नत नहीं मांगता, लेकिन 125 अरब लोगों को सुरक्षित रहना है तो तैयार भी रहना होगा। पर सवाल है, 21वीं सदी के पहले दशक का भारत ताकत के मामले में कहां खड़ा है? इस लिहाज से आज हम बताएंगे भारत के 5 सबसे कारगर और घातक हथियारों के बारे में, जिनकी भूमिका किसी भी जंग में अहम होगी। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन की सीमा में घुसकर मार करे, अपने ऊपर होने वाले हमले का मुंहतोड़ जवाब दे, दुश्मनों के रडार को जाम कर दे और रफ्तार बिजली जैसी, भला किसको जरूरत नहीं होगी? भारत के पास मौजूद सुखोई में ये तमाम खूबियां हैं। सुखोई यानी एक ऐसा लड़ाकू जो दुश्मनों के सुख और चैन को हर ले, चाहे वो खुली जंग का मैदान हो या फिर दुश्मन के इलाके में बने आतंकियों के कैंप। अभी तक की प्रैक्टिस में इसने हर मिशन को बखूबी अंजाम दिया है। पिछले दिनों एक अभ्यास के दौरान सुखोई ने देश के दुश्मनों को अपना संदेश भी दे दिया है कि या तो वो अपनी हरकतों से बाज आएं या फिर भारतीय वायुसेना के कहर झेलने को भी तैयार रहें। सुखोई जैसे किसी विमान के लिए इस तरह के काम पलक झपकते मैदान साफ करने से सीखा है। हम जो जो आर्टिफिशियल टारगेट्स आज दिखाए हैं ना, वो सभी रियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते, इसीलिए तो ये दिखाए थे। पहली बार ऐसी चेतावनी वायुसेना ने पाकिस्तान को दी, वो भी अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई से, क्योंकि मल्टी रोल सुखोई 30 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो हर तरह के काम को अंजाम दे सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात है या दिन, घातक बम गिराना हो या फिर दुश्मन को छकाकर उस पर वार करना हो, सुखोई को पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार को भी जाम कर देता है। यानी हमला और बचाव, हर तरह के मिशन में महारत हासिल है। भारत के सुखोई की गिनती वैसे लड़ाकू विमानों में होती है जिसका ना तो कोई जोड़ है ना ही कोई तोड़। दुश्मन के जहाज को पल भर में जमींदोज करने की क्षमता रखने वाला ये लड़ाकू विमान खुद को मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी बचा ले जाएगा और 120 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। सुखोई एक के बाद एक लगातार 15 टारगेट हिट कर सकता है और अपने ऊपर हो रहे 2 हमले एक साथ झेलकर पलटवार कर सकता है। दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए सुखोई को लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस किया गया है। एनिमी टेरिटरी में जा सकता है और सेफली वापस भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट इसके लिए बहुत कम है, मतलब जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो इसको इतनी जल्दी निशाना बना नहीं सकते। दरअसल ये भारतीय वायुसेना का वो विमान है जिसके टक्कर का विमान न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास। वैसे चीन के पास भी सुखोई है, लेकिन मुकाबले में भारतीय सुखोई उस पर भारी पड़ेंगे। ये चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो रूसी है, पर अब इसे भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। ताकतवर इतना है कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3000 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। किसी भी हालत में ईंधन खत्म होने का खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। विमान में अलग अलग तरह के मिसाइल और बम ले जाने के लिए 12 जगह बनी है। फायर करने वाले 30 mm की एक छोटी तोप भी लगी है। जंग के दौरान एयरफोर्स और नेवी की भूमिका बेशक अहम होगी, पर जीत का परचम लहराना हो तो दुश्मन के जमीन पर कब्जा जमाना होगा। ऐसे में जरूरत होगी ऐसे हथियार की जो 100 हाथियों की ताकत समेटे हो, चीते जैसी फुर्ती हो और जिस्म फौलाद का बना हो। MBT यानी मेन बैटल टैंक अर्जुन। यूं तो अर्जुन नाम ही अपने आप में काफी है। चाहे महाभारत का कुरुक्षेत्र रहा हो या फिर आज के दौर के जंग के मैदान, अर्जुन को देखते ही दुश्मनों की रूह फना हो जाएगी। 10 मीटर लंबा और तकरीबन 4 मीटर चौड़ा, इस जमीन पर चलना कहना गलत होगा, क्योंकि चलने की बजाय ये दुश्मनों को रौंदने के लिए बना है।
जिन रास्तों से गुजरता है, दखल कब्जे से लेकर हुकूमत भी अर्जुन की ही होती है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। भारत में बना ये पूरी तरह से एक भारतीय टैंक है, जिसने एक बार निशाना साधा तो उसके चूकने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। प्रोजेक्ट अपने नियत समय से काफी लेट रहा और नौबत ये आ गई कि इसे राजपथ का टैंक कहा जाने लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब मुकाबले की बारी आई तो अर्जुन ने दुनिया भर में नाम कमा चुके रूसी T-90 टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। 72 hours mobility test, it has performed very well. Then the another phase of trial was the firing accuracy, static to static target firing, tank move and then tank you could fire, then night firing. And all those firing also, the firing accuracy of the Arjun was very good and then the user very happy with the results. जहां अर्जुन के रौंदने की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं T-90 की रफ्तार 65 किलोमीटर की है और अमेरिकी टैंक इब्राहिम की सांसें भी 67 किलोमीटर प्रति घंटे तक उखड़ने लगती हैं। अर्जुन टैंक में चार 120 mm गन, 1400 से 1500 HP का भारी भरकम इंजन लगा है तो T-90 में तीन 120 mm गन और 780 से 1000 HP के इंजन मौजूद हैं। हालांकि अर्जुन के आलोचक भी हैं, जिनका कहना है कि इसका वजन काफी ज्यादा है और इसे पंजाब और कुछ दूसरे इलाकों में बने पुलों के ऊपर से गुजरने में मुश्किलें पेश आएंगी। Though the weight is more, say 60 tons, but the horsepower is 1400 horsepower engine. So the power to weight ratio is still better than the similar or equal to the similar class of tanks abroad. लेकिन कई मायनों में अर्जुन दूसरे टैंकों पर भारी है, जिसकी वजह है ये मूविंग टारगेट को भी 25 किलोमीटर की रफ्तार से सटीक हिट कर सकता है, वो भी तेजी के साथ। लेकिन जब ये फायर करता है तो इसका गोला सीधा न जाकर घूमता हुआ टारगेट को हिट करता है, लेकिन जब दुश्मन जवाबी फायर करता है तो इस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, ये आसानी से मिसाइल पर भी हिट कर सकता है। रात हो या दिन, या फिर चिलचिलाती गर्मी हो या कंपकपाती ठंड, निशाने को भेदने में अर्जुन को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैंक है। ये टैंक वो मजबूत किला है जो जवानों को हर हमले से महफूज रखेगा। अर्जुन पर किसी भी तरह के केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हमले का असर नहीं होगा। डिजाइन इस तरह का है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाएगा और बम से निकला रेडिएशन अर्जुन के भीतर बैठे जवानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमला होते ही टैंक में लगे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद टैंक में बैठे जवान खास तरह के सूट पहन लेंगे, यानी लड़ाई के मैदान में ये टैंक एक ऐसा बख्तर बंद कमरे की तरह होगा, जिस पर दुश्मन चाहे जितने भी हमले कर ले, अंगद की तरह जमे इसके पांव टस से मस नहीं होंगे। किसी जंग के नतीजे इस बात पर टिके होते हैं कि आपके तरकस में कितने कातिल तीर हैं, जो हमले के हालात में दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह करने की कुवत रखते हों। साथ ही दुश्मन को ना तो संभलने का मौका मिले, न ही उसके पास कोई काट मौजूद हो। अग्नि और ब्रह्मोस एक ऐसे ही दो नाम है जो हर कसौटी पर खड़े उतरते हैं। ये आज के जमाने का ब्रह्मास्त्र है, नाम है ब्रह्मोस, जो उन तमाम कारनामों को अंजाम दे सकता है जैसा कर दिखाने की कुव्वत दूसरों में नहीं है। दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के पास ब्रह्मोस के टक्कर की सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जो हर तरफ हर एक कोने तक एकदम सटीक मार कर सके और किसी छलावे की तरह रडार को भी चकमा दे जाए। ब्रह्मोस की मौजूदगी के 300 किलोमीटर के दायरे में हर चीज का वजूद इसके रहमो करम पर होता है। रही बात रफ्तार की तो लाइट से मुकाबला मुमकिन नहीं, पर साउंड से तीन गुनी तेज है। पलक झपकी नहीं कि कई टारगेट एक साथ ढेर हो गए। मिसाइल हैज गॉट द क्विकेस्ट रिएक्शन टाइम टू टेक ऑफ एंड एवरी सल्वो कैन बी फायर्ड एट वेरी शॉर्ट इंटरवल्स, सो दैट मीन्स इन 10 टू 15 मिनट्स वी विल बी एबल टू सेंड नियरली 100 मिसाइल्स अगेंस्ट 100 डिफरेंट टारगेट्स। ब्रह्मोस के क्रूज मिसाइल होने का फायदा यह है कि छोटे से छोटे टारगेट पर भी वार हमेशा सटीक होता है। भारत और रूस की साझा कोशिश इस मिसाइल के नाम में भी दिखती है, जो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा, दो अहम नदियों के नाम का संगम है। इस घातक मिसाइल के कई वर्जन आ चुके हैं,
अभी तक जमीन से जमीन, जमीन से समंदर, समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने वाले ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हो चुका है। पाकिस्तान के पास है बाबर मिसाइल जिसकी रफ्तार महज 230 मीटर प्रति सेकंड पर जा टिकती है और बाबर की रेंज 400 किलोमीटर है। ऊपर से ये सारे परीक्षणों में पूरी तरह से खरी नहीं। वहीं चीन के पास है मॉस्किट जिसकी रफ्तार है 600 मीटर प्रति सेकंड पर रेंज है महज 120 किलोमीटर जबकि अमेरिका के पास मौजूद टोमाहॉक की रेंज तो 900 किलोमीटर के करीब है पर वो रफ्तार में मार खा जाती है 230 मीटर प्रति सेकंड। कॉन्फिगरेशन कैपेबिलिटीज अगेंस्ट मल्टीपल टारगेट्स इन अ मल्टीपल ट्रैजेक्टरी फॉर्मेशन द मिसाइल हैज गॉट अ वेरी यूनिक स्टेटस इन द वर्ल्ड व्हेन नो अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया एंड रशिया हैविंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इन सबसे अलग ब्रह्मोस की रफ्तार है 900 मीटर प्रति सेकंड। रेंज बेशक 300 किलोमीटर के करीब है पर है अचूक। कहते हैं मुंह से निकली बात और धनुष से छूटा बाण वापस नहीं लौटता। अगली बार कोई पूछे तो अग्नि का भी नाम जोड़ दीजिएगा। अपने निशाने पर छूटी अग्नि को रोकना किसी के बस में नहीं। वो अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। सुर्खियों में रही इस मिसाइल को हमला करते देखा है कभी? ऐसी नौबत तो नहीं आई है पर हम आपको दिखाते हैं। 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल एक बार ये लॉन्च हो जाती है ये पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ कंटेन्ड है। इसको ना आप रास्ते से हटा सकते हैं ना आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। एक बार ये रहा तो अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही रुकेगा जो इसको अपना नुकसान पहुंचाना या जो भी लक्ष्य के लिए गया है वो पूरा करके रुका। बीच में कहीं इसको रुकने या हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अग्नि को रोक पाना न तो इसे दागने वाले के बस में है और न ही उसके जिसे निशाना बनाया जा रहा हो। तभी तो इसे क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बड़े भाई के तौर पर जाना जाता है। ऐसी मिसाइल जो पाकिस्तान से निपटने के लिए तो काफी है ही बुरे वक्त के लिए चीन की चिंता भी बढ़ा देता है। अग्नि की ताकत का अंदाजा अमेरिका को भी है क्योंकि भारत की जमीन से करीब 1500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया के उसके ठिकाने भी अग्नि की पहुंच से दूर नहीं। अग्नि अपने साथ पारंपरिक हथियारों के अलावा परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। 1.5 टन वजनी मध्यम दूरी की मिसाइल 750 से 3500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। खास बात यह है कि अग्नि को मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि अग्नि के आने से भारत की मारक क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और यही वजह है कि अब देश की अगली तैयारी अग्नि 5 की है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की होगी। वैसे पाकिस्तान के पास तो अग्नि 3 की टक्कर की कोई मिसाइल है ही नहीं और जो है वो चीन से उधार मिली तकनीक का नतीजा है। उधर चीनी मिसाइलें हैं तो भारत से ज्यादा रेंज वाली लेकिन तकनीक और सटीकता के लिहाज से वो भारतीय मिसाइलों के आगे नहीं टिकती। आज देश को जितनी भी रेंज चाहिए जैसा हमारा थ्रेट परसेप्शन है उस हिसाब से जो हमारा सिस्टम चाहता है वी कैन गिव इन 5 या 7 साल के अंदर किसी भी प्रकार के मिसाइल हम बना के दे सकते हैं किसी भी रेंज की किसी भी वॉरहेड कैपेबिलिटी की। मोबिलिटी रिएक्शन टाइम रिक्वायरमेंट्स कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड आपको मिल सकते हैं। अभी बाकी है कमान में और तीर जो निकलेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। भारत इकलौता मुल्क है जिसके नाम पर कोई महासागर है पर पकड़ सिर्फ नाम से नहीं ताकत से बनती है। हिंद महासागर में कोई भी दुश्मन देश अपने कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचे। इसके लिए मजबूर करता है दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक। सिर्फ देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि भारतीय नौसेना का यह जंगी जहाज किस हद तक खतरनाक हो सकता है। यह है नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ब्रह्मास्त्र जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। यह हवा जमीन और समंदर के अंदर टारगेट को भेज सकता है। कहने का मतलब है अटैक के साथ साथ डिफेंस। जहां दिल्ली क्लास हो समंदर में
तो उसके इर्द गिर्द कोई भी दुश्मन या तो पानी की सतह पे या हवा में या पानी के अंदर समय आने पर उन तीनों का विनाश किया जा सकता है। तो ये पावर है दिल्ली क्लास का। पाकिस्तान के पास तो ऐसा हथियार है ही नहीं और चीन के पास है भी तो गिने चुने। समंदर में अपनी मौजूदगी से 250 किलोमीटर तक के इलाके में उठती हर लहर पर होती है इसकी नजर। खास बात यह कि इसे हिंदुस्तान के ही मझगांव डॉक लिमिटेड में तैयार किया गया है। 163 मीटर लंबा ये डिस्ट्रॉयर पनडुब्बी से लेकर बड़े जंगी जहाजों तक को सागर में मौत की नींद सुला सकता है। इसमें एक दो नहीं पूरी 16 मिसाइल लगी है जो किसी भी अभेद किले को ध्वस्त कर सकती है। इसमें 100 mm गन लगी है जो 18 से 25 किलोमीटर हिट कर सकती है। बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर एक मिनट में 700 राउंड फायर कर सकता है। ऐसे अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है और ये अकेला भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र के साथ इतने काम कर सकता है कि वो 3-4 दूसरे जहाज मिलकर नहीं कर सकते। अगर एक बार समंदर में उतरा तो 3 हफ्ते तक के ऑपरेशन को अंजाम देने में भी कोई परेशानी नहीं होती और कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बेहतर कि एक साथ 8-10 जहाज को कमांड कर ले। रूसी यूरान एंटीशिप मिसाइल लगा है जो 5 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर भी एंटीशिप गन के साथ तैनात रहते हैं। स्पीड है इसके करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विध्वंसक समंदर और समंदर के नीचे जमीन और हवा में दुश्मन के किले को भेद पाने में सक्षम है। अब बात ऐसे घातक हथियार की जो आसमान से आग बरसाता हो, जरा सोचिए दुश्मन के ऐसे किसी इलाके की जहां महज 38 सेकंड के भीतर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों रॉकेट दागे जाए, दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए इतना ही काफी है। यह है थल सेना का सबसे खतरनाक हथियार, नाम है स्मर्च। शेषनाग की तरह कई फन वाला और हर फुफकार से निकलती है आग। जंग के मैदान में अगर ताव खा जाए तो दुश्मन के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वक्त रहते जान बचाकर भाग जाए या फिर तबाह हो जाए। स्मर्च रॉकेट का असर 100 मीटर के रेडियस में होता है, मतलब उसकी लिथैलिटी 100 मीटर के रेडियस में है और ये दुश्मन के जो जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है, जो ऊंचे दर्जे के रिजर्व फॉर्मेशन रिजर्व रेजिमेंट होती हैं आर्मर्ड कोर की, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की और दुश्मन के हेडक्वार्टर्स, उनके ऊपर दूर तक वार कर सकता है। स्मर्च मल्टीपर्पस रॉकेट लॉन्चर को रूस ने बनाया है। ये रॉकेट इतने ताकतवर हैं कि इसकी मार से टैंक, तोप और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। ये दुश्मन के कैंपों को भी तबाह कर सकता है। फायरिंग शुरू हुई नहीं कि 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा दायरा आग के शोलों से बट जाता है। 90 किलोमीटर तक मार करने वाले स्मर्च के एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म में 12 रॉकेट होते हैं और हर रॉकेट में 72 विस्फोटक लगे हैं जो नीचे गिरते ही चारों तरफ फैल जाते हैं। इसे लोड करने में महज 20 मिनट का वक्त लगता है, जिन्हें वो सिर्फ 38 सेकंड में फायर कर देता है। मौसम की मार से हर तरह से महफूज और हैंडलिंग के लिए बस 4 जवानों की जरूरत। पूरा फायर सिस्टम ऑटोमेटिक है लेकिन जरूरत पड़ने पर मैनुअली भी हैंडल किया जा सकता है। साथ ही सटीक फायर करने के लिए GPS सिस्टम भी लगा हुआ है। इन तमाम खूबियों से लैस स्मर्च को 8 साल पहले ही सेना में शामिल किया गया है।